आज होली का दिन है और मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ शकोड़ियाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। और शुभारंभ हो गया है, मेरे हस्बैंड जी ने लगा दिया है और वो निकल गए हैं बाहर। अभी हम बना रहे हैं, प्रोग्राम पता नहीं है, देखते हैं, बाहर जाएंगे और हम भी थोड़ा सा खेल के आएंगे। मेरा बेटा भी गया वो पिचकारी विचकारी लेके, तो पहले मैं थोड़ा खाना पीना बना लूँ, उसके बाद जो है मैं बाहर जाऊँगी। तब तक के लिए हैप्पी होली। तो ये देखिए हम घर पर आ गए हैं होली खेल के, और हमारी हालत देखिए क्या हालत है हमारी। और यहाँ पे आबू अपने दांत दिखाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि मैं लैपर जैसे मेरे दांत हैं। और मैंने कहा कि हाँ सच में तेरे लैपर जैसे ही दांत है, साइड में से दो आ रहे हैं ना, इसलिए ऊपर से हम लाल काले पीले हो रहे हैं तो और ज़्यादा अजीब लग रहे हैं उसके दांत। तो कह रहा है कि मैं क्यूट लग रहा हूँ। उनका हाँ बेटा तू क्यूट ही लग रहा है। और इतने अजीब से हम मस्ती से खोरी हो रहे, इतने ज़्यादा थक गए थे हम लोग जो होली खेल खेल के बहुत। और आज होली के दिन इतनी ज़्यादा धूप थी ना कि सर है ना फटने लग रहा था। फिर हमने कहा चलो यार बस करो, और फिर हम घर पर आ गए। हमने डांस वगैरह भी किया, लेकिन मैं बाहर अपना फ़ोन लेकर नहीं गई थी क्योंकि मैंने सोचा कि छोड़ो यार कौन लेके जाए, और फिर पानी वानी कोई डाल देगा तो फिर ख़राब हो जाएगा। पिछली बार समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे रखूँ, और पिछली बार मैंने पैंट भी पहनी थी तो मैंने उसमें रख लिया था, लेकिन इस बार मैंने कुर्ता डाला था तो मेरे पास रखने का ऑप्शन नहीं था, तो मैं नहीं लेके गई और दोबारा मैं घर पर आई ही नहीं। तो यहाँ पे हम दोनों अपना अपना कलर दिखा रहे हैं, शक्ल दिखा रहे हैं। आप वो तो इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, वो तो सुबह 8-10 बजे ही निकल गया था होली खेलने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा थक गया है। हम अभी देख रहे हैं आप लोग, हम नीचे बैठे हुए हैं ज़मीन पर क्योंकि रंग से पूरी बॉडी भरी पड़ी है बालों से। ऐसे में हम बेड पे जाएंगे तो बेड भी गंदा हो जाएगा, इसीलिए हम एसी चला के बस थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए बैठ गए हैं। फिर हम उसके बाद नहाने जाएंगे क्योंकि सच में इतनी गर्मी हो रही थी, सर एकदम गर्म हो रखा था बॉडी। तो हमने कहा कि पहले हम अपना बॉडी टेम्परेचर कम करते हैं, खुद को थोड़ा रिलैक्स करते हैं, उसके बाद हम नहाने जाएंगे। तो बस हम अपने आप को ठंडा ही कर रहे हैं, और ठंडा होने के बाद हम जाएंगे नहाने। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, और उसके बाद फिर हम जो है नहाना धोना स्टार्ट करेंगे। बहुत थक गए हैं और अब भूख सी लग रही थी, तो हमने बस वही पकोड़े ले लिए जो हमने आज खाना पीना बनाया था, और वो खा बिना नहाई हम शुरू हो गए खाना क्योंकि भूख लग रही थी, क्या करें। और आप देख भी लीजिए हम किस तरह से हमने मस्ती की थी। खत्म हो गई से क्या हो? बस यही हमने मस्ती वगैरह की थी, आप लोगों ने देख लिया। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी, ये मेरी फ्रेंड्स की एक मेरी फ्रेंड है, उसने एक वीडियो बना लिया था तो मैंने उससे बोला कि प्लीज़ वो मुझे शेयर कर ले, और उन्होंने कर लिया। तो बस मैं वही आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो ब्लैक कुर्ते में डांस कर रही है वो मैं हूँ, और वो सारी जो लेडीज़ हैं कॉलोनी की। और हम नहा धो के यहाँ पे देखिए रेडी हो गए हैं, थोड़ा माइंड हल्का हो गया है, फ्रेश फील कर रहे हैं हम लोग। तो बस अब बैठ के थोड़ा सा जो है मस्ती करने लग रहे हैं फ़ोन के साथ। पेट भर गया है और बॉडी में आराम है तो थोड़ा मज़ा करना बनता ही है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सपोर्ट करें। थैंक यू।